काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। और श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज महारथी शिखण्डी तथा धृष्टद्युम्न तथा विराट तथा अपराजित सात्यकि, हे पृथ्वीपते, द्रौपदी के पुत्रों तथा राजा द्रुपद तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। हरिओम। ये दो श्लोक इकट्ठे हैं, इसमें अलग अलग शंख बजे। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में भगवान कृष्ण जी ने अपना पांचजन्यम शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त बजाया, भीम ने पौंड्रम, भीष्म भयंकर कर्म वाला यज्ञ शंख बजाया, देवदत्त बजाया। यहाँ पे भी अलग अलग वॉरियर्स अपने शंख बजा रहे। तैयारी पूरी तरह से तैयार है। 14 साल युद्ध की तैयारी हुई, 12 साल वास में, 1 साल अज्ञातवास में। उसके बाद युद्ध जब नहीं हो पा रहा था, बात नहीं मानी जा रही, तो लगभग 14 साल का बाद युद्ध तैयार हुआ। 18 अक्षावनियां आमने सामने खड़ी हैं। 11 अक्षावनियां बटालियन कौरवों की है, 7 बटालियन पांडवों की है। तो भीष्म पितामह ने शंख तो बजाया था दुर्योधन को खुश करने के लिए, लेकिन बात ऐसे जंगल की आग की तरह फैल गई कि सब ने सोचा युद्ध की तैयारी होगी, युद्ध शुरू हो रहा है, तो सब ने शंख बजाया। अलग अलग नाम है। धृष्टद्युम्न नाम है, द्रुपद नाम है, अलग नाम है, लेकिन एक जो नाम सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अभिमन्यु का, सौभद्रा पुत्र अभिमन्यु। कहानी हम सबको पता। जब सौभद्रा गर्भवती थी तो अर्जुन ने सौभद्रा को ज्ञान दिया कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, अंदर घुसना तक सिखाया। इन द मीन टाइम सौभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन ने आगे बात बोली नहीं, और अभिमन्यु ने सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान सुना, और वो कि चक्रव्यूह को अंदर कैसे जाया जाता है, तोड़ा कैसे जाता है, निकलना नहीं सीखा। और लड़ाई की शुरुआत में रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे। लड़ाई जब शुरू होती तो रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे। एक रूल था कि एक आदमी पे अनेक आदमी नहीं लड़ेंगे, सूरज ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा, पीछे से वार नहीं होगा, जमीन रथ से उतरे हुए व्यक्ति पे वार नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन था कि उसे चाहिए था कोई बिग कैच, उसे चाहिए था बिग कैच। ऐसे में चक्रव्यूह की रचना रची गई और कृष्ण और अर्जुन को धोखे से दूर ले जाया गया। ध्यान से सुनेगा बात मेरी, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं आज। इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि हमने एक चश्मा पहना हुआ है अज्ञानता का। तो धोखे से अर्जुन और कृष्ण को दूर ले जाया गया और चक्रव्यूह की रचना हुई, और चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, लेकिन उसे निकलना नहीं आता। निकलना सिर्फ 2 जनों को आता था, अर्जुन को और कृष्ण को, और वो अभिमन्यु से बहुत दूर चले गए थे। ना ये कहानी सबको पता है, लेकिन इसका फिलोसॉफिकल एंगल क्या है, इसका दार्शनिक पक्ष क्या है। हम सब अभिमन्यु हैं, हम सब अभिमन्यु हैं, और संसार के चक्रव्यूह के अंदर तो आना आता हमें, लेकिन निकलना नहीं आता। हमें निकलना नहीं आता, और निकलना आता है तो कृष्ण और अर्जुन को, जो हमारे जीवन से बहुत दूर चला गया। मीनिंग गीता आपको इस संसार के चक्रव्यूह से निकाल सकती है। गीता जी सक्षम है आपको संसार के चक्रव्यूह से निकालने के लिए, लेकिन गीता जी हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली गई। तो पहला पॉइंट, हम सब अभिमन्यु हैं और उस अभिमन्यु में चक्रव्यूह संसार में फंसे हुए, निकलना नहीं आता। निकलना अध्यात्म को आता है, निकलना गीता जी को आता है, और वो हमारी जिंदगी से दूर है। जिसके जीवन में अध्यात्म है वो चक्रव्यूह से निकल सकता है। और इसीलिए देखना गणेश जी के हाथ में हमेशा रस्सी होती है, गणेश जी के हाथ में हमेशा रस्सी होती है, अर्थात इस दलदल में फंसे मनुष्य को निकालने के लिए रस्सी है। एक हाथ में मौदकम है, गणेश जी की सवारी चूहा। चूहा मीन्स ग्रीड पे कंट्रोल है। तो यदि आपका ग्रीड पे कंट्रोल है तभी आप दूसरों को भवसागर से निकाल सकते हो। यदि आप अपनी ग्रीड में फंसे हुए हो तो दूसरे का क्या सहारा करोगे। थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा, मैं तन्हा ढूंढू कोई सहारा। थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा। तो गणेश जी के हाथ में रस्सी है और उनका ग्रीड पे, चूहा सिंबलाइज करता है ग्रीड पे कंट्रोल है। यह है अभिमन्यु, हम सब की तरह फंसा हुआ है। दूसरी बात, और यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां अग्नि है वहां धुआं होगा ही होगा। जहां अग्नि है वहां धुआं होगा। गलतियां होती है, कृष्ण जी से भी गलती होगी। क्यों चले गए पीछे पीछे कृष्ण जी रथ लेके, और चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया। राम जी भी क्यों चले गए हिरण के पीछे पीछे, और सीता माता कब्ज में आ गई। आप कहोगे लीला, फेयर एनफ, लेकिन खास बात जो बताने की है कि मिस्टेक्स होती हैं लाइफ में। गीता जी कहती है जहां अग्नि है वहां धुआं है। आप जब लाइफ में जियोगे, आप जब लाइफ में कोई कार्य करोगे तो गलतियां होंगी। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो काम करता है, जो एफर्ट करता है, जो कोशिश करता है, उसी से गलतियां होती हैं। फेयर एनफ, गलती होना कोई क्राइसिस नहीं है। प्लीज गिरो, ऐसे गिरो जैसे गेंद गिरती है, छत से ऊपर उठ जाओ। गेंद गिरती है जमीन पे, छत से ऊपर उठ जाती है। ब्लेड की तरह मत गिरो। तो यदि आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, यदि आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, उसके गिल्ट में जिंदगी भर मत रहो। उसकी मिस्टेक्स में सारी जिंदगी दुखी मत रहो। जहां अग्नि है वहां धुआं है। मिस्टेक्स होंगी आपसे, डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स। तो सबने शंख बजाए, पांचजन्यम शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने, देवदत्त शंख बजाया, अर्जुन ने, भीम ने शंख बजाया, पांचजन्यम ऋषिकेश ने बजाया। एक शब्द और आता है यहां पे, श्लोक नंबर 18 में, पृथ्वी पते। पृथ्वी पते, द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। और यहां पे पृथ्वीपते नाम जो दिया गया है वो धृतराष्ट्र को दिया गया। ध्यान से सुनेगा, द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे एक धृतराष्ट्र को नाम दिया पृथ्वीपते। इसका सिंबोलिज्म देखिए। इमोशंस आपका संसार बनाते, जैसा आपका मन हो वैसा संसार बन जाता है। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही आपका संसार बनता है। यदि गोल्फ का मन है तो आपका संसार गोल्फ का बन जाएगा। आपका क्रिकेट का मन है तो क्रिकेट का संसार बनेगा। बिजनेस का मन है तो बिजनेस का संसार बनेगा। जैसा मन होगा वैसा ही संसार बनेगा। तो पृथ्वी पते कौन है? इमोशंस, माइंड, आपकी डिजायर्स आपका संसार बनाती है। और हिंदू धर्म में जिसने संसार बनाया हम उसकी पूजा ही नहीं करते। हिंदू धर्म में जिसने संसार बनाया हम उसकी पूजा नहीं करते। वी डोंट वर्शिप ब्रह्मा जी। एक ही मंदिर है पूरी दुनिया में, पुष्कर महाजन में, जिसने दुनिया बनाई। ये है क्या संसार? इट्स योर वासनास, इट्स योर प्रवृत्ति, इट्स योर नेचर, ये आपका माइंड जैसा है वैसा संसार बनाता। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, मेरे अपने जीवन की घटना, बहुत साल पुरानी बात है, ये 91 की बात है। मैं फ्रांस जाना था मुझे और मेरी फ्लाइट लंदन से पेरिस थी और एक रात मुझे पेरिस रुकना था और अगले दिन टीजीवी ट्रेन लेके मुझे पेरिस से जिनेवा जाना था। तो पूरी जर्नी एक ही रात की मेरा स्पेंड था और यूथ हॉस्टल में ठहरना था मुझे। सो लंदन से मैंने फ्लाइट ली, पेरिस पहुंचा चार्ल्स डी कॉस्ट एयरपोर्ट पे और वहाँ पे टाइम डिफरेंस आ जाता है आधे घंटे का, तो फ्लाइट लेट थी। तो आई रीच्ड पेरिस एट 12 o'clock नाइट। यूथ हॉस्टल में मुझे ठहरना था, मेरे पास एड्रेस था, उस समय मोबाइल सिस्टम तो थे नहीं, कोई फेसबुक कुछ ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, सिर्फ लेटर दिए जाते थे, लेटर से आपको लेटर मिल जाता था, बुकिंग हो जाती। यहाँ दिल्ली यूथ हॉस्टल ऑफिस में आपका बुकिंग हो जाती थी। सो आई हैड अ बुकिंग फॉर वन नाइट। तो जब मैं पेरिस पहुंचा 12 बज गए और पेरिस चार्ल्स डी कॉस्ट शहर से थोड़ा दूर है, तो वहाँ से लोकल ट्रेन मेट्रो लेके जब मैं मॉन्ट्रियल स्टेशन पे मुझे उतरना था, पेरिस के मॉन्ट्रियल स्टेशन पे मुझे उतरना था। और जब मैं मॉन्ट्रियल में उतरा 12:45 के सब करीब टाइम हो गया, हाथ में 2 बैग, एक मॉन्ट्रियल स्टेशन से बाहर निकला तो एक एली थी, गली थी, उस गली को क्रॉस करके निकला। रात के बज गए 1, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई, मध्यम बार, हाथ में 2 बैग, 1 बज गया, रात के मध्यम बारिश शुरू हो गई। अब मैं लोगों से पूछूं यप्पारले आंगले, और अब तो फिर भी इंग्लिश समझने लगे हैं पेरिस में, तब तो बहुत कम लोग समझते थे। यप्पारले आंगले मीन्स डू यू स्पीक हिंदी, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। और किसी को अंग्रेजी आती नहीं, आती है तो बोलते नहीं, अब तो काफ़ी बोलने लगे। 2 साल पहले मैं था पेरिस, नाउ पीपल लर्न गुड अमाउंट ऑफ इंग्लिश। नाउ इमेजिन कीजिए पेरिस रात के 1 बजे, मध्यम बारिश हो रही है, मैं एक एली क्रॉस करके राइट टर्न पे टर्न किया और उस गली क्रॉस करके जब दूसरी गली पे पहुंचा, हाथ में 2 बैग, और मैं लोगों से पूछूं यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, और किसी को आती नहीं। सभी तभी मैंने एक टर्किश बार देखी, एंड आई न्यू टर्किश पीपल नो लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, सो आई वेंट इनसाइड द बार, एंड टर्किश आर मुस्लिम्स। रेस्टोरेंट कैश में बैठा था, आई सेड डू यू स्पीक इंग्लिश, ही सेड यस आई स्पीक इंग्लिश। आई सेड आई हैव टू गो टू दिस प्लेस, इस जगह मुझे जाना, कैन यू टेल मी वेयर इज दिस प्लेस। एड्रेस था मेरे पास, उसने एड्रेस देखा, कहता सो यू गॉट इन अ रॉन्ग प्लेस, आपको मॉन्ट्रियल वेस्ट में उतरना था, मॉन्ट्रियल ईस्ट में उतर गए, रॉन्ग स्टेशन में उतर गए। उस समय उसने लैंडलाइन से फ़ोन किया यूथ हॉस्टल, और यूथ हॉस्टल वाले कहते हैं 1 बजे तो हम बंद हो जाते हैं, वी आर क्लोज्ड। क्या करूं, अगले दिन मेरी ट्रेन है जिनेवा की, क्या किया जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि आई कैन, डू यू नो एनी वेयर नाइस चीप गुड प्लेस हो वेयर आई कैन स्पेंड वन नाइट। क्या करते हो, मैंने कहा मैं टीचर हूं। क्या पढ़ाते हो, पीछे पड़ गया मेरे, क्या पढ़ाते हो, मैंने कहा आई टीच भगवत गीता। एंड यू हैव टू बिलीव दिस, दिस इज द ट्रुथ। ही सेड यू टीच भगवत गीता, आई एम वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नो व्हाट इज दिस भगवत गीता। एंड आई वाज हंग्री, मुझे भूख लग गई। आई सेड आई एम हंग्री। तो उसने एक क्रोसो दिया, एक ऑरेंज जूस लिया, आई हैड ऑरेंज जूस एंड क्रोसो। ही सेड जस्ट वेट फॉर 5 मिनट, आई एम जस्ट क्लोजिंग माई रेस्टोरेंट, आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू। उसने रेस्टोरेंट बंद किया। He said, I have a small apartment. If you want to spend night, you can spend night there. एक रात मैं वहाँ सोया, जयराम जय की करी, अगले दिन निकला। Now why I am bringing this whole story together is in पृथ्वी पते, शब्द जो है वो पृथ्वी पते। So यदि पृथ्वी पते का मतलब क्या है? यदि आपकी वासना है, आपकी प्रवृत्ति है, नेचर है युद्ध की, तो आपको युद्ध मिलेगा। यदि आपकी प्रवृत्ति है बिजनेस की, आपको बिजनेस मिलेगा। आपकी प्रवृत्ति है स्पोर्ट्स की, तो आपको स्पोर्ट्स मिलेगा। आपकी प्रवृत्ति है अध्यात्म की, तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको अध्यात्म मिलेगा। और अगर प्रवृत्ति में अध्यात्म नहीं है, तो सो लोग भी आपको अध्यात्म नहीं डाल सकते। अगर प्रवृत्ति है तो 25,000 घोड़े आपको रोक नहीं सकते, और अगर प्रवृत्ति नहीं है तो 25,000 घोड़े आपसे काम नहीं करा सकते। सो पृथ्वी पते का मतलब है आपका मन लॉर्ड है, आपका मन संसार बनाता है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी वैसी। तो आप अपने विचारों को बदल लीजिए। चेंज योर माइंड यू चेंज द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद ने कहा, कॉन्कर योर माइंड यू कॉन्कर द वर्ल्ड, मैनेज योर माइंड यू मैनेज द वर्ल्ड, channelize your mind you channelize the world, improve your mind you improve the world, eliminate your mind you eliminate the world। मन को काबू करो तो संसार काबू हो जाएगा, मन को जागृत करो तो संसार जागृत हो जाएगा, मन को इवॉल्व करो तो संसार इवॉल्व होगा, मन को एलिमिनेट करो तो संसार खत्म हो जाएगा। रात को 10 बजे आप सोए, रात को 10 बजे आप सोए, 6 बजे उठे, या 8 घंटे कैसे बीते, कहां था मन, कहां था मन। वो 8 घंटे बड़ी चैन से गुजरे। लाइक मैकबेथ सेड, आई किल्ड माई स्लीप, आई किल्ड माई स्लीप। मैकबेथ सेड, आई किल्ड माई स्लीप। 10 बजे से 6 बजे का समय कितना सुंदर गुजरा। क्यों? क्योंकि वहां मन नहीं था, और जहां मन नहीं है, जहां मन नहीं है वहीं अमन है, वहीं पे अमन है। और पृथ्वी पते मतलब वो व्यक्ति जिसका जैसा मन होगा संसार वैसा ही बन जाएगा। सो इफ यू हैव टू इम्प्रूव द वर्ल्ड, ये संसार को ठीक करना चाहते हो, संसार को बदलना चाहते हो, तो चेंज योर डिजायर, you will see the world differently। सोचेगा इस बात पर। हरिओम।